Hello, NEET aspirants. I am Garima, and today I am having a very important topic, that is 340 plus in biology. See, if I talk about your NEET examination, you know, 15 से 20 दिन बाकी है, right? अब मुझे एक बात बताओ, how many of you are scoring 250 plus, 300 plus? बहुत क्राइटेरिया है, right? But समान लाइक कि उन्हें आता सब है, बट स्टिल दे आर ऑन द वर्ज की 250 टू 300 के बीच में स्कोर है, राइट? क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी, फिर भी नंबर नहीं आ रहे, व्हाट्स द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, राइट? अब देखो, व्हाट आई नीड टू टॉक इज, एक बात बताओ, नीट के एग्जाम में यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, राइट? अब बायो के अंदर हाउ मेनी टॉपिक्स डू यू हैव? जस्ट सेकंड नाउ, हाँ, नाउ अगर मैं बायो की बात करूँ, 90 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में यू हैव 45 एंड इन फिजिक्स ऑल्सो यू हैव 45, राइट? तो 50% क्राइटेरिया किसके पास है? तुम्हारी बायो के पास है, हाँ भाई, ये तो पता है. अब मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, यू शुड नो तुम्हें बायो कितनी देर में करनी है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, ठीक है? सी, एक स्ट्रेटेजी के साथ क्वेश्चन करोगे ना, नंबर ज़्यादा आएंगे. सी, तुम्हारे आंसर गलत क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, आई एम टॉकिंग कि पढ़ रहे हो बट नंबर नहीं आ रहे, राइट? अब देखो, पहली गलती जो मैं अपने टाइम में हमेशा करती थी, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के लास्ट में पूछते हैं एक्सेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दिस 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 एक्सेप्ट, ठीक है? तुम लोग क्वेश्चन को गलत पढ़ते हो, आंसर गलत आता है. तो पहली गलती कहाँ आती है, तुम एक्सेप्ट वर्ड नहीं पढ़ते. दूसरी गलती किधर, करेक्ट इनकरेक्ट. क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वो करेक्ट पूछ रहा है, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, वो नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है. इतनी बार घुमाया नॉट इनकरेक्ट, मतलब नॉट इनकरेक्ट क्या, उसको भी समझो ना. नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट पूछ रहा है वो, तो वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि तुम करेक्ट की बात कर रहे हो, तुम नॉट इनकरेक्ट की बात कर रहे हो, मैटर्स, ठीक है? तुमने ये नहीं पढ़ा. तीसरी गलती तुमने क्या करी, तुम लोग दीज आर टेलिंग जो हो सकते हैं तुम लोगों के लिए, फाइन. देखो, पेपर पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल्स पूछे थे, एग्जाम्पल्स याद ही नहीं आए टाइम पे. अब गया ना पेपर, गया, एग्जाम्पल्स याद नहीं आए. अब एग्जाम्पल्स याद नहीं आए क्यों, या तो मैट्रिक्स नहीं बनाई तुम लोगों ने, दूसरा या तो तुमने पढ़ा नहीं, या तीसरा तुमने एनसीईआरटी के अलावा इतने एग्जाम्पल्स रटे हुए हैं कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या लिखना है वो ही नहीं समझा. होता है ना, तो तुम्हें एग्जाम्पल्स भी टाइम पे याद नहीं आए, ठीक है? तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें दो ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका मतलब तुमने क्वेश्चन गलत पढ़ा है. अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे इन दो ऑप्शंस के आंसर्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत पढ़ा है. क्वेश्चन की हर स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ो कि वो कहना क्या चाहता है. बात समझ में आई, ठीक है? ओके, फिर assertion reasons. Assertion reason में पता है मेन डाउट आता है ए और बी में, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देखो, assertion reason के लिए वी डोंट हैव एनी ट्रिक. क्या करना है तुम लोगों को, तुम लोगों को assertion reason प्रैक्टिस करने हैं. एम्स के पेपर उठा लो, इतनी सारी बुक्स है जिसमें तुम्हें assertion reasons मिल जाएंगे, इतने मॉक टेस्ट है जिसमें तुम्हें assertion reasons मिल जाएंगे. जितना हो सके assertion reasons की प्रैक्टिस करो, ठीक है? और लास्ट, वही गलती, क्वेश्चन गलत पड़ा. और एक क्वेश्चन आपको, एक चीज़ और बताती हूँ मैं तुम्हें, तुमने ये नहीं किया होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नहीं किया ना, या फिर एनसीईआरटी के डायग्राम नहीं किए. यही गलतियां हो सकती है जिसकी वजह से तुम्हारा बायो के पेपर में नंबर नहीं आ रहे. या तो क्वेश्चन गलत पढ़ा, या तुम्हें ऑप्शन में डाउट आ रहा है, या तुम क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हो, राइट? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व नहीं कर रहे. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहाँ मिलेगी भाई, गूगल करो ना. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पीडीएफ पढ़ा है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऐसा कुछ है कि जो टॉपिक तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं गिवन ना, वो चीज़ें भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, दैट यू नीड टू स्टडी, ठीक है? एनसीईआरटी के डायग्राम, हर एक पॉइंट की मार्किंग दे रखी है एनसीईआरटी में, क्यों नहीं देखे डायग्राम्स, कटे ना नंबर. अब करना क्या है तुम लोगों को, वो सुनो. एक चैप्टर उठाओ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ट्रिक. 15 दिन बाकी है ना, एक एक यूनिट उठा लो दिन की. कितनी देर लगती है यूनिट को याद करने में यार, एक बात बताओ. इफ आई टॉक अबाउट, अभी हमने किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था, कितना टाइम लगता है तुम्हें प्रोटिस्टा को याद करने में? जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, क्या क्या आता है उसमें, डायनोफ्लैजेलेट, राइजोफाइट्स, लाइंग मोल्ड्स एंड यूग्लिनॉइड्स. डायनोफ्लैजेलेट में क्या क्या था, सेलुलोसिक प्लेट्स थी, आर्मर्ड एल्गी बोलते हो उसको,
और क्या था उसमें, सेलुलोसिक प्लेट्स वगैरह प्रेजेंट थी, रेड टाइड, एग्जांपल क्या था, गोनियोलिक्स था, कौन से टॉक्सिन, सेक्सीटॉक्सिन, क्राइसोफाइट में क्या था, ओवरलैपिंग शेप था, फ्लैट पैसिवली, डायटम्स, डेसिमिड्स, सब पढ़ा था ना। इतना कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई बोले प्रोटिस्टा, तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए कि प्रोटिस्टा में क्या क्या है। बात आ रही समझ में? दिन का सुबह उठ के एक यूनिट सजेस्ट करो कि एक ये यूनिट कंप्लीट करनी है, उस यूनिट को एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग लगाओ और तुम्हारे नोट्स को फटाफट रिवाइज करो। पूरा चैप्टर अपने आप से बोलो, पहले तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ कहीं पे भी, बस वो चैप्टर पूरा बोलो कि तुम्हें क्या क्या याद है उसमें से। देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। उस पूरी यूनिट के 400 से 500 क्वेश्चंस लगा लो। उसमें सिर्फ नीट के प्रीवियस ईयर नहीं होनी चाहिए, पहले प्रीवियस ईयर लगाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरे पॉइंट पे गो विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। फालतू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जाने का मतलब ही नहीं है। एक बार बताओ, एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन आएगा, मान लो नीट में नहीं, जनरल तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन आया, तुमसे नहीं हुआ, व्हाट विल हैपन? कुछ नहीं ना, कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। और क्या, तो करने ही क्यों है फालतू क्वेश्चन जब वो नीट में आना ही नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन निकलते हैं, एमटीजी फिंगर टिप्स में गिवन है, वरना गूगल में इतने क्वेश्चन भरे पड़े जिसकी हद नहीं है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, हर जगह बनाए हुए हैं, तुम एक बार खोल के तो देखो गूगल। दूसरी चीज, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके बाद क्या बता, तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, वट यू नीड टू डू इज, मान के कर लेना, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें करेक्ट कहाँ है, इनकरेक्ट कहाँ है, उसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो कि तुम लोग उसको शांति से पढ़ रहे हो कि उसने करेक्ट पूछा है, उसने इनकरेक्ट पूछा है। बात समझ में आई? ठीक है। तीसरी चीज, यू नीड टू प्रैक्टिस द एसर्शन रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट, एग्जाम्पल्स रट रहे हो ना तो एनसीईआरटी के रटो, इससे ज्यादा कुछ मत करो। पॉलीफेरा के एग्जाम्पल है तो स्पॉन्जिला, साइकोन, न्यू स्पॉन्जिया के अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता होना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना किसी चीज में, कोई जरूरत नहीं है उसके लार्वा, एम्फीब्लास्टुला वगैरह पढ़ने की। जब नहीं है ना एनसीईआरटी में तो क्यों पढ़ना है? एनसीईआरटी की जितनी लाइन है ना उतना रट के जाओ, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें चैप्टर नहीं भी आता ना, एनाटॉमी नहीं आती ना, मॉर्फो नहीं आती ना, रट के चले जाओ। एनाटॉमी लास्ट में आई नो नहीं समझ में आती, क्या करने का, रट के जाने का। कोई तुमसे पूछ रहे तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझा, नहीं ना, आई नो, ठीक है, चीज़ गलत है कि तुम्हें रट के नहीं जाना चाहिए, बट यार 15 दिन बाकी है, 15 दिन में यू आर नॉट गोइंग टू सी द एंटायर वीडियोज या कुछ भी है। हाँ टाइम है, तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, वन शॉट देके काम हो रहे हैं तो ठीक है, बट अभी अगर सिलेबस एट द वर्ड है कि 250 to 300 है, स्टिल यू आर गोइंग फॉर डिटेल्ड लेक्चर्स, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे क्वेश्चन से ही सीखोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़, बायो का पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, अगर तुम्हारा टाइम अभी 1 घंटे से एक्सीड हो रहा है, डोंट गिव मोर देन 1 or 2 बायोलॉजी। क्यों? तुम्हारी केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या हाल है? आई नो बहुत लोगों का केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, वेरी नाइस फॉर्चुनेटली, बट मैं मोस्टली जनता की बात कर रही हूँ जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स में लगे पड़े। ठीक है, अब वॉट विल हैपन, 1 घंटा तुम लोग बायो में दे रहे हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए तुम्हें 1.5 घंटा चाहिए सॉल्व करने के लिए, अगर तुम्हारी फिजिक्स का लेवल इतना है, 50% है, बायो का लेवल इतना कर लो कि तुम लोग एट द एंड 40 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व कर सको। बात समझ, 30 to 40 minutes आर मैक्सिमम, मैं बोलती हूँ 10 मिनट और दे दो एटलीस्ट। सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं ना, लाइक जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, एक बार उन स्टेटमेंट्स को वापस पढ़ के देख लो एक बार। क्यों? कभी कभी पता क्या होता है, इफ़ आई टेल यू माई केस, जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था ना, वट हैपेंड, फॉर्चुनेटली मेरा क्या रहता था कि मेरा एग्जाम 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता था, कंप्लीट योर बायोलॉजी सेक्शन, ठीक है, बट उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस मार्क करती थी। कैसे? जो चीज़ ऐसी लगी कि यार अभी पढ़ने का टाइम नहीं लग रहा, या फिर अभी इतना बड़ा नहीं पढ़ना, और क्वेश्चंस बहुत है, ऐसा है कि अभी सोचना पड़ेगा इसके लिए, साइड में रखो, जिसके लिए ज़्यादा सोचना पड़े ना उसको साइड में रख दो। पहले अटेम्प्ट में सिर्फ वही क्वेश्चंस करो जो तुम्हें कन्फर्म है, बस करते जाओ, टिक टिक टिक, खत्म। फिर वापस आओ, वापस किस पे आओ, जो तुम्हें आता है स्टेटमेंट बेस, उनको पढ़ो। जब पेपर खत्म हो जाए, जब 20-30 मिनट तक तुम्हारा बायो कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद एक बार शांति से बायो के सारे क्वेश्चंस एक बार वापस कन्फर्म करो खुद से। सी आई नो इतनी जल्दी इतना करने का मतलब नहीं बनता, ठीक है, बट अगर नंबर आ रहे हैं तो एक बार ना 10 मिनट और दे के बायो को चेक कर लेना, बिकॉज अगर कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ फिजिक्स में यही हुआ था, मैंने फिजिक्स का पेपर किया, उसके बाद
आई व्हेन आई चेक 5 क्वेश्चन में मेरे 5 क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक थी. सोचो 5 4 20 भाई नेगेटिव था, 5 5 25 नंबर डाउन जाती, कहाँ जाती रैंक. बात समझ में आ रही है ना. सो यू नीड टू नो, क्वेश्चंस को ढंग से करो, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि गलती का कोई गुंजाइश ही ना हो, ठीक है. बट अगर तुम पे खुद पे विश्वास नहीं है ना कि कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, तो उसको ठीक करके आओ यार. पूरा पेपर करना ठीक है, लेकिन जितना करके आ रहे हो ना वो खराब मत करके आओ. जितना किया है, जितना पढ़ के जा रहे हो, वेल एंड गुड. अगर एनाटॉमी नहीं हो रही या कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं हो रही तो साइड में रखो यार. एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है, साइड में रखो. बाकी पेपर तो अच्छा होना चाहिए ना. एक चैप्टर के पीछे रोने से कोई मतलब नहीं है. बात समझ में आ रही है ना. तो अभी से रोज की एक यूनिट उठाओ, खत्म करो उसको. आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट डे दो बायो को, गिन के 5 6 घंटे में ना तुम्हारी एक एक यूनिट खत्म हो सकती है रोज की, ठीक है. एक यूनिट उठाई, उसका एनसीईआरटी पढ़ी, नोट्स पढ़ी, क्वेश्चंस लगाए, 300 400, बात खत्म, पेपर साइड में एकदम, ठीक है. तुम्हारा मैक्सिमम कितने दिन में, 8 9 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी बायो वैसे टिप्स हो जाएगी. फिर लगाओ पेपर. कितना टाइम लगता है, अभी भी साथ साथ पेपर लगा रहे होंगे तुम लोग. ऐसा नहीं अब तक तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, दिए हैं ना मॉक टेस्ट, नंबर पता है ना कितने आ रहे हैं. ये स्कोर चाहिए ना 340+, लेजिट स्कोर है. इतना स्कोर आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे तैसे आ सकते हैं नंबर. बट अगर बायो में डूब गए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो क्या कर लोगे तुम. बात आ रही है समझ में. इसलिए यू नीड टू डू दैट. नंबर चाहिए बायो में, कैसे भी चाहिए. एग्जाम्पल्स की ट्रिक्स बनाओ, एसर्शन रीजन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो कि वो क्या पूछ रहा है, वो करेक्ट पूछ रहा है, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, वो एक्सेप्ट लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है. बात समझ में आ रही है. अदरवाइज बहुत ईजी है बायो, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, ठीक है. अभी भी 15 दिन है, नहीं हुआ चैप्टर, हो जाएगा. बायो इज नॉट वेरी यू नो, बहुत टफ नहीं है. एक रीडिंग में लगाओगे ना चैप्टर की तो भी एक ओवरव्यू सेट होता है दिमाग में कि हाँ इसके अंदर ये है, थोड़ा बहुत समझेगा, राइट. डोंट वरी एट ऑल. नीट के लिए आए थे ना तो खत्म करके ही जाएंगे, छोड़ना नहीं है बीच में. बात आ रही है समझ में, ठीक है. सो डोंट वरी एट ऑल, बायो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट द प्रॉब्लम्स जहाँ पे तुम गलतियाँ कर रहे हो, हाँ मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो ना उसके बाद जब तुम्हारे नंबर आ रहे हैं तब एक बार देखो तुमने यहाँ पे गलती की क्या थी. पता चलेगा वो गलतियाँ इनमें से होंगी, या तो पढ़ा नहीं होगा, दैट इज द अनदर केस, बट पढ़ा था स्टिल नंबर नहीं आ रहे तो वो ये रीजन से है, फाइन. सो अपनी गलतियों पर वर्क करो, इट्स द हाई टाइम. अभी छोड़ दिया ना तो कोई मतलब नहीं है, पीक टाइम है. चैप्टर्स की रीडिंग या चैप्टर्स के लेक्चर्स पर मत जाओ, यू नीड टू गो. अगर नहीं आता वन शॉट देख के खत्म करो, ठीक है. हाँ मुझे पता है डिटेल नहीं मिलेगा वन शॉट पे, एनसीईआरटी के अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा, बट अभी के लिए तो भर ले एनसीईआरटी इज बाइबल, इवन नीट के लिए बाइबल है यार. अभी के लिए तो क्या बोल रही हूँ. बात समझ में आई. सो नाउ रोज की एक यूनिट पकड़ो, रोज के क्वेश्चंस लगाओ, एंड या यू आर गोइंग टू ब्लास्ट द बायोलॉजी, फाइन.